गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मेरा जो नया साइकिल है उससे मिलवाऊंगा, जो कि मैंने तैयार किया है लॉन्ग टूरिंग के लिए, ठीक है। और वो रहा ये, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ये नया साइकिल नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं और कुछ नए सामान बिठाए हैं। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल मैंने क्यों सिलेक्ट किया फॉर लॉन्ग टूर। बेसिकली ये साइकिल का फ़ायदा क्या है, इसका सिटिंग पोस्चर। मैंने MTB यूज़ किया है। MTB मैंने एक दिन 80 किलोमीटर के राइड पे गया था। मेरा रिस्ट, शोल्डर, नेक, स्कैपुला बोन्स, बैक पेन और बट, मतलब जो पीछे का मसल रहता है ना, सीट मसल, बट बोलते हैं इसको, वो सबके सब दुख गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इस साइकिल को बिना मॉडिफिकेशन के लिए 2-3 बार चलाया है, अबव 50, 60, 80 किलोमीटर, एंड आई वॉज ओनली टायर्ड। मेरे को कोई पेन नहीं था बॉडी में कि हाँ ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न। मैंने उसके बाद सोचा कि आई विल मॉडिफाई दिस साइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स एज वेल एज टू गिव स्पीड। तो सबसे पहले जो है, फॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, दिस इज नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ स्प्रिंट्स। इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि रेसिंग करेंगे तो नहीं हो सकता है, दिस इज़ वेरी हैवी, ठीक है। एंड इन स्प्रिंट्स वी डोंट कैरी लगेज, बट व्हेन यू आर टूरिंग यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपको लगेज रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लगेज के लिए मैंने जो यूज़ किया है वो है ये बड़ा वाला, जो अंडा ब्रेड भी बेचते ना उन लोग, वो कैरियर का, वो अंडा ब्रेड का कैरियर मैंने इसमें लगाया है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी थिक। इसका खुद का वज़न भी कम से कम 2-2.5 किलो होगा। पूरा साइड में हैंडल वैंडल सब है। क्योंकि ये मैंने क्यों लगाया, स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो जो नॉर्मल कैरियर्स आते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो जो नॉर्मल कैरियर्स है ना, साइड से अगर आप एक लंबा बैक किट बैग लेते हैं ना, वो ऐसा लटक जाता है, इधर से लटक जाएगा, इधर से भी लटक जाता है, जिसके वजह से मैंने ये लिया, ठीक है। दूसरा जो ये फर्स्ट चेंज है, दूसरा जो चेंज है वो है ये स्टैंड। जो नॉर्मल स्टैंड आता है ना, अगर आप मान लो कि एक 10 किलो का वज़न इस पर रखते हो चलते चलते, या फिर आप जब रखते हो उसको, वो अगर एकाधिक बार गिर विर गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो वो टिकता नहीं है। जिसकी वजह से मैंने ये जो स्टैंड है ये हैवी लोड स्टैंड में मॉडिफाई किया है, ठीक है। ये हो गया दो मॉडिफिकेशन। तीसरा जो मॉडिफिकेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है इसका चेन रिंग। अपना जो स्टैंडर्ड साइकिल आप जब ये ख़रीदने जाएंगे कहीं दुकान में, तो उसमें ये जो मिलता है ये थोड़ा छोटा मिलता है, ये 52 नंबर का है, वो मैंने इसके अंदर डाल के लिया है। और इससे मैंने ये लगाने के बाद मैंने एक राइड किया है अष्टविनायक गणपति के उधर मंदिर में, और इसके वजह से मुझे अच्छा खासा स्पीड मिला। हो सकता है टॉप स्पीड नहीं है, मुझे टॉप स्पीड चाहिए भी नहीं, क्यों, मेरा जो टारगेट है वो टूरिंग एंड नॉट स्प्रिंट्स। टूरिंग के लिए आप कंफर्ट स्पीड में राइड करते हो, लेकिन उसी में आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा मिल गया तो अच्छा रहता है, तो ये लगाया मैंने। इसका जो ये रिंग है फ्री व्हील, ये फ्री व्हील बदलने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि अगर ये मैं फ्री व्हील बदलता हूँ तो घाट तो छोड़ दो, एक सीधा साधा जो नॉर्मल स्लोप है वो भी चलाने को मेरे को दिक्कत होगा। ये लगाने के बाद जो मैंने ट्रिप किया उसमें, जब अप स्लोप्स आए, फ्लाईओवर आया, मैं जब खड़े होकर पेडलिंग किया तो वो अपने अच्छे से, मतलब विदाउट एनी मच डिफ़िकल्ट वो चढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। जब मैंने ये बड़ा लगाया 52 इंच का, तब चेन छोटा पड़ गया। ये चेन मैंने उसको बोला कि रिप्लेस ही कर दो, तो एक्चुअल चेन जो है वो 150 रुपये का आया। ये चेन, उस जो 150 रुपये का वो चेन था, वो स्टैंडर्ड वाला चेन रिंग के लिए था, चेन व्हील के लिए था। तो जो मैकेनिक था उसके पास, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा चेन्स पड़े होते, उन्होंने शायद 7 या 8 या 5-6 लूप्स लगा के वो चेन को बड़ा कर दिया। बड़ा करके
ये चेन को इसके साथ फिट कर दिया। ये चेन एक नया जो लिया वो 150 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो टायर है, ये टायर जो है 6-ply टायर्स है। अपना नॉर्मल जो रोड बाइक्स रहते हैं ना उसके पतले टायर रहते हैं एंड दे आर वेरी प्रोन टू लाइक पंचर्स एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें वो तकलीफ नहीं है। इसके जो टायर्स है 6-ply के टायर्स मैंने लगवा के लिए थे पहले से ही है, वो अभी भी टिके है। ये 6-ply का टायर लगा के कम से कम नहीं तो भी 2 साल हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये सारे मॉडिफिकेशन हैं। अब जो चीज़ मैंने नया लगाया वो बताता हूँ। सबसे चीज़ जो बड़ी बात है इसकी सीट, आरामदायक सीट, जितना बड़ा पिछवाड़ा उतना बड़ा सीट, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग राइड्स। स्ट्रेट पोस्चर एकदम, आप सीधा सीधा ऐसा बैठ के आप हैंडल चला सकते हैं। तो ये जो सीट है ये एकदम भी पुराना हो गया था, पूरा जंग लग के सड़ गया था। तो मैंने क्या किया, इसको सीट को ही सेम चीज़ से रिप्लेस कर दिया। नया है सीट है ये, ठीक है। ज़्यादा 300 रुपये का आता है ये सीट, और उसके ऊपर एक फोम का नॉर्मल 60 रुपये का है ये कवर, 60 रुपये का एक कवर लगा दिया। ये जो पेडल है, ये पेडल पहले दूसरा था, हीरो का ओरिजिनल पेडल था जिसमें ऐसा बाजू में स्ट्रिप्स आते लोखंड के, वो सड़ गया था। 100 रुपीज़ में ये चेंज हो गया। ये जो चीज़ है इसका प्राइस था 450 रुपीज़, ठीक है। ये एक हो गया। ये एक बेल है, ये बेल एक नया लगवाया और कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये जो लॉक है, ये लॉक पहले ये साइड से था, उन्होंने बोला कि ये आप लगाओगे तो लॉक लग तो जाएगा लेकिन लगेज रखने के बाद लॉक निकालने विकालने को तकलीफ हो जाएगी, तो इस तरफ से लॉक लगाओ। आई सेड वेल एंड गुड, तो ये लॉक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास कुछ भी नहीं किया है, सेम चीज़ है। अब जो चीज़ रिप्लेस किया हुआ है वो है यहाँ का बॉल बियरिंग, ओके। इसके अंदर बॉल बियरिंग रहता है, वो बॉल बियरिंग, यहाँ का बॉल बियरिंग, यहाँ का बॉल बियरिंग, ये तीन सामने का बॉल बियरिंग, इसके अंदर जो बॉल बियरिंग्स रहते हैं वो बॉल बियरिंग, और वो गोली बोलते हैं गोली, और इसके अंदर की गोली। बस मैंने इतना ही किया है एंड उसके बाद मैं राइड्स करता हूँ, आराम से एकदम राइड्स करता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं होती है और मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। हाँ, इसमें गियर नहीं है मानता हूँ, लेकिन मैं गियर वाला साइकिल 50-60 किलोमीटर चलाकर हाथ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है स्पीड में चलाकर, ठीक है। आई वुड प्रेफर वही 50 किलोमीटर मेरे को अगर 1-1.5 घंटा ज़्यादा लगता है लेकिन डेस्टिनेशन लेकिन वो 50 किलोमीटर होने के बाद भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि मैं एक जगह पर जाके वो गांव घूम सकूं, तो आई थिंक दैट विल बी, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो हैविंग सेड दैट, उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आया है, इसके जो रिप्लेसमेंट है भी पसंद आया है। और कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, और कुछ नहीं छूटा, सब पता गया। हाँ, ये पीछे का रिफ्लेक्टर एक नया है, ये रिफ्लेक्टर सड़ गया था, ये रिफ्लेक्टर एक नया लगाया है, बाकी तो और कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम है। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर फास्ट राइडिंग, एब्सोल्युटली नो। जिन लोगों को फास्ट राइडिंग करने का है वो इस साइकिल की तरफ देखो भी मत, गेट एन एक्सपेंसिव लाइट वेट साइकिल, दिस इज़ फॉर टूरिंग। मेरा ये, और ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, रिस्ट पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, स्कैपुला पेन, एस पेन, बट पेन, जो भी बोलो, ठीक है, ये सब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स है। अगर आपको, आपके पास ऑलरेडी MTB है, उसको आप लॉन्ग टूर के लिए यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एक ट्रायल रन्स लेके देखो 100 किलोमीटर्स के, इफ़ इट फिट्स यू वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर कर दूँ। सो साइनिंग ऑफ राइट नाउ फ्रॉम यू ऑल, डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, सीरियस, लव यू गाइस।